स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पार्टी ने कार्यकर्ता को कमान दी है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। हम लोग 2025 में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। बहुत बधाई उनको। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। देखिए यह पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां दिलीप जायसवाल पहुंचे थे और तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे बीजेपी कोटे के, वो पहुंचे हुए थे। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी साथ में नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए यह पटना एयरपोर्ट की है जब वो पहुंचे हैं दिल्ली से अपने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके, और यह तस्वीर जो है दिलीप जायसवाल की है जहां पे जो है तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, साथ में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और मंत्री भी मौजूद है। देखिए किस तरीका से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। अब वो निकल रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पे जो है उनका भव्य तरीका से स्वागत किया जाएगा। जगह जगह तैयारी की गई है, पटना के सड़कों पे और तमाम जगह उन्हें जो है स्वागत किया जाएगा, फूलों की बारिश भी की जाएगी। तस्वीर दिखा रहे पटना एयरपोर्ट की जहाँ पे तमाम नेता पहुँचे हुए थे और इससे पहले भी तमाम नेताओं से बातचीत की गई। देखिए इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जैसे वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और कितनी मजबूती मिलेगी इसको लेकर के। निश्चित रूप से पार्टी ने कार्यकर्ता को कमान दी है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अध्यक्ष जी को, अपने गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नए प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं उनको देते हैं और निश्चित रूप से संगठन में बहुत पहले से 20 वर्ष से उनका एक अनमोल योगदान रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का संगठन और मजबूत होगा और मजबूती के साथ हम लोग 2025 में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। बहुत बधाई उनको। तो आपने सुना बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे जिवेश मिश्रा, उनका कहना है कि देखिए अब जो है और मजबूत होगा और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देंगे। साथ में बीजेपी के एक और विधायक थे राम, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरीका से नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमें उम्मीद है कि 25 में इनके नेतृत्व में बेहतर बीजेपी प्रदर्शन करेगी और साथ में जो है 200 प्लस का जो लक्ष्य रखा गया है इनके नेतृत्व में 200 प्लस जाएगा। तमाम विधायक जो है काफ़ी खुशी में है, उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं को अभी आपने देखा किस तरीका से वो खुशी जाहिर कर रहे थे, खास करके वैश्य समाज के जो जितने भी लोग पहुंचे हुए थे वो भी काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि देखिए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी और भी मजबूत होगी। अब काफ़ी देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में कितनी मजबूती मिलती है। लेकिन ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है जहाँ दिलीप जायसवाल पहुँचे हुए हैं और उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2025 में जो है दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। एनडीए 200 पार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी हासिल करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका दिलीप जायसवाल की होगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, उनके नेतृत्व में बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया जिसमें 40 में से 30 सीट जीत करके बीजेपी एनडीए गठबंधन आई थी और उसमें बीजेपी जो है 12 सीट जीतने में वो सफल रही थी। लेकिन अब देखिए 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के आखिर क्या कुछ होगा, दिलीप जायसवाल कितना जो है सक्सेस रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।